Hey people, what's up? This is me, Shan Singh, और आप लोग को वेलकम है मेरे चैनल शान सिंह शो पर. आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर बिंद्रा का नया एपिसोड, जो कि मतलब अपलोड हो चुका है बहुत टाइम पहले. लेकिन इनमें लाइक फाइव सुपर हीरोज हैं जिनको भारत ने भी सम्मानित किया है, तो हम वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे. देख, वन टू एंड हे, आपका स्वागत है. मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच. ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल में, पांच वो क्रांतिकारी हीरो नहीं, सुपर हीरो, सुपर डुपर हीरो. ये वो लोग हैं जिन्होंने नेपाल का वर्तमान और उसका भविष्य बदलने की जिद ठान ली है. आज वो कई वीडियो आपने मेरे हो सकता है छोड़ दी, उसको मत छोड़िएगा, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी. कैसे आज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन ऐसी लादी नेपाल के अंदर. पहली स्टोरी ले रहा हूं अनुराधा कोइराला जी के विषय में. ये वो है, एक कम ऑन इंडियंस, मनीषा कोइराला पे ध्यान मत लगाइएगा, ये अनुराधा कोइराला है. इनको दीजू बोला जाता है, दीजू मतलब बड़ी बहन. ये नेपाल की मदर टेरेसा है, जो आज चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, विमेन राइट एक्टिविस्ट. औरतों को और बच्चों को विदेशों में बेच दिया जाता है, इसको बोलते हैं विमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर बना करके एक बार में एक मुश्त पैसा लेके बेच दिया जाता है जिंदगी भर के लिए. ये शुरुआत कहां से हुई, अनुराधा कोइराला जी जो क्रांति लेके आई नेपाल में. आप जानते हैं पशुपतिनाथ जी दर्शन करने गए, मैं गया हूं वहां दर्शन करने. ये रोज सुबह जब वहां जाती थी, कई हेल्दी औरतों को देखती थी भीख मांगते हुए. ये देखती थी कि इनके जिंदगी में ये इतनी हेल्दी लेकिन फिर भी भीख मांग रही. जब उनसे बातचीत करनी शुरू करी, देखा हर एक की कोई ना कोई पुरानी बड़ी इतिहास, हिस्ट्री जो उन पे बुरा गुजरा है. या तो उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, रेप किया गया है, कोई HIV पॉजिटिव है, किसी को मारा पीटा गया है, अलग अलग प्रकार के वायलेंस हुए इनके साथ, किसी को घर से निकाल दिया गया है. ऐसी महिलाओं को देखा जो भीख मांगने को मजबूर है मंदिर के सामने. रूट कॉल ढूंढ रही थी, क्या ऐसा करूं कि इनकी मदद कर सकूं. जब इन्हें काम करने के लिए बोलो, काम नहीं करती थी. इन्होंने कुछ औरतों को समझाया, मनाया, कुछ 8-10 औरतों को 1,000 रुपए दिए, पर शर्त ले ली कि मेरी शर्त आपसे यह, 1,000 रुपए लो और यहां पे कोई दुकान लगा लो, फूल की, माला की, सब्जी की, रेड़ी की, फल की, किसी चीज की दुकान लगाओ और 2 रुपया हर रोज आपसे लूंगी, ताकि मैं आपकी जैसी और औरतों को मदद कर सकूं. मैं 1,000 रुपया अपफ्रंट दे रही हूं लेकिन 2 रुपया रोज लूंगी. इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव और वायबिलिटी बिल्ड करने पे उन्होंने ध्यान लगाया. इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. भीख नहीं दी, सुनिएगा ध्यान से, बुद्धि देखिए इनकी. मैं इनको बहुत सम्मान करता हूं. क्यों उनको मदर टेरेसा बोलते हैं, CNN ने इनको हीरो बोला, हमारे देश ने इनको पद्मश्री से रिकॉग्नाइज किया, और करना भी चाहिए. ऐसी महिलाओं की जरूरत है जिन्होंने ऐसा ऑल्टरनेटिव बिल्ड किया कि देखो, अगर किसी को एक बार भोजन खिला दोगे, किसी को 10-20 रुपया दे दोगे तो एक दिन खिला पाओगे, लेकिन अगर उसको कमाना सिखा दिया तो आपने जिंदगी भर खिला दिया. देखा, लेकिन फिर भी कई महिलाएं अभी भी साथ नहीं आ रही है. कारण क्या है, उनके पास उनकी बेटियों के लिए रहने का घर नहीं है, अपने रहने का घर नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है. इन्होंने मायती नाम की NGO चालू करी. किसी ने इनको बताया कि अगर तुम NGO चालू करोगे तुम्हारे को डोनेशन मिल सकता है, और एक ऐसा NGO चालू किया. मायती का मतलब है मदर्स होम फॉर वुमेन, उन औरतों के लिए घर बनाया. पहले 2 कमरे लिए किराए पे, वहां से उन्होंने शुरुआत करी, और आज अब तक लगभग 1.25 लाख औरतों को या बच्चों को ये बचा चुकी है, जिनको ये मदद पहुंचा चुकी है. नेपाल की वो क्रांतिकारी महिला जिनको भारत और नेपाल, यानी पूरा विश्व इनके आगे नतमस्तक हो जाता है. औरतों को बेचने वाले ऐसे कई लोगों को जेल पहुंचा चुकी है अभी. अब इनका एक ही मुद्दा है, औरत और बच्चे को बेचा नहीं जा सकता, उनको एम्पावर किया जाए. रियल मैन डोंट बाय गर्ल्स. और आज मेरी अगली पावरफुल स्टोरी है डॉक्टर संदूक रुहित के बारे में. डॉक्टर संदूक रुहित नेपालियों के लिए और विश्व के लिए भगवान से कम नहीं है. ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कैटराक्ट से होने वाले अंधेपन को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया. इन्होंने अपनी इस सर्जरी की कॉस्ट को 90% तक कम कर दिया, और जो लेंस बनते थे उसको इन हाउस नेपाल के अंदर इतनी इंटेलिजेंस इन्वेस्ट करी, 7,500 रुपए की आइटम है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको 250 रुपए के ले आए. 1.25 लाख गरीबों का यह इलाज कर चुके हैं जो पैसा ही नहीं दे सकते, उनका फ्री में इलाज कर दिया इन्होंने, उनको आंखें दी. वो माँ जिसके जो अंधी थी, जो देख नहीं सकती थी, उसके बच्चे भी बर्बाद हो जाते थे. मेरी बात समझिएगा, उसके बच्चे इसलिए बर्बाद हो जाते क्योंकि वो उनको देख ही नहीं सकती, बच्चे भी भीख मांगने पे मजबूर हो गए. इन्होंने उस माँ का इलाज किया. अब क्या हुआ, अब माँ काम कर रही है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं. बहुत बड़ा सोशल परिवर्तन, दिस इज कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. ये हुआ कैसे डॉक्टर रुहित के जीवन में, जब ये छोटे थे ना तो इनके 3 भाई बहन, उनका देहांत हो गया क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए. दिल को यह बात छू गई.
बहुत दर्द कर गए इनको, तो उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हर आदमी प्रॉफिट पे दिमाग लगाता है, ये प्रॉब्लम पे दिमाग लगा रहे थे। आज इनकी सेवाएं नेपाल से बाहर निकल के लगभग 50 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला इनको, और उसके अलावा हमारे देश ने भी इनको पद्मश्री से नवाजा गया। इनफैक्ट ये वो व्यक्ति है जिनको वास्तव में भगवान जैसा माना जा रहा है आज नेपाल के अंदर। क्यों? क्योंकि बीड़ा उठा लिया है। डॉक्टर रोहित बताते हैं कि आज भी लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कैटरैक्ट के कारण अंधेपन से गुजर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, और इनका ऐसा मानना आने वाले समय में ये संख्या 8 करोड़ हो जाएगी, और 8 करोड़ में 90% लोग एशिया के देशों में डेवलपिंग कंट्रीज के ही होंगे। यानी कि जो गरीब देशों के लोग हैं वो इलाज भी नहीं करा पाते, और इसका इलाज संभव है, पर इलाज क्योंकि महंगा था उसको उन्होंने कम करके दिखाया। मेन मुद्दा समझिए, ये माइंड है बड़ी पावरफुल चीज है। ये माइंड से जो प्लान मांग लोगे वो निकाल के दे देगा। इस माइंड से आप प्लान मांगो प्रॉफिट कमाना है, ये वो प्लान बना के दे देगा। इस माइंड से आप मांगो मुझे पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये उसका मॉडल निकाल के बता देगा। आज भी इनका जो पूरा का पूरा मॉडल है वो सस्टेनेबल कर लिया, इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉब्लम भी सॉल्व करी और अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, लेकिन बहुत लो कॉस्ट पे ला के सॉल्व कर दी। मेरी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, और हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सके इस प्रकार के मॉडल में। अगली स्टोरी जिनके बारे में बात कर रहा हूं, श्रीमान कुलमान घिसिंग। पूरा नेपाल इकट्ठा एक आवाज में उनको नेशनल हीरो मानता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने लोड शेडिंग की बात की थी, वो बात थोड़ी पुरानी हो गई। उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए मैंने दिल से ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा, तो नेपाल की एक ट्रेनिंग कंपनी कॉल्ड जीनियस इनसाइडर, ये मुझको नेपाल भी इनवाइट करते हैं, और इन्होंने मेरी मदद करी कि हम कुछ और डेटा ऐसा बिल्ड करें कि नेपाल के सुपर हीरोज के बारे में बात करें। कुलमान घिसिंग, नेपाल को लोड शेडिंग फ्री कर दिया पिछले 2 सालों के अंदर। वही नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो लगभग 9 बिलियन नेपाली करेंसी के लॉस में था, वो 1.5 बिलियन नेपाली करेंसी प्रॉफिट के अंदर ला दिया। कुलमान घिसिंग की ऐसी लीडरशिप है ना, ये स्ट्रैटेजी नहीं केवल एग्जीक्यूशन, ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं। ये वो आदमी है जो नेपाल के हीरो क्यों है, आज पूरे नेपाल को बिजली दी इन्होंने, आज पूरा यूथ इनको अपना लीडर मानता। जानते हैं क्यों? ये सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, रात 8 बजे तक बैठते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर है, कमोन, एग्जीक्यूटिव नहीं है, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप पोजीशन पे, जब पूरा का पूरा नेपाल फेस्टिवल ऑफ लाइट्स उसकी छुट्टी मना रहा था ना, उस समय ये ऑफिस में बैठ के नेपाल को बिजली देने में लगे हुए थे। प्रायोरिटाइज करते रहे शुरू से कि किधर कितनी ज्यादा बिजली चाहिए, किस समय किधर कम बिजली चाहिए, स्ट्रेटजिकली किस समय उधर से बिजली निकाल के इधर डालें, इसको बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। अच्छा, दूसरी चीज ये जानते हैं कि विदेश में बिजली बिल्कुल नहीं बेचूंगा, उस बिजली को, बहुत सारी बिजली इन्होंने वापस देश में रोक ली। ये पहले बिजली इंडिया को भी दिया करता था नेपाल, बहुत ठीक किया इन्होंने कि इंडिया से बिजली रोक करके अपने कंट्री के अंदर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसा लगाया। आज वही बिजली जब ये बाहर बेचते थे इनको कम पैसा मिलता था, अपने यहां कंज्यूम करके उससे पैसा प्रॉफिटेबल बना सके। स्ट्रैटेजी नहीं, फिर से बोल रहा हूं, एग्जीक्यूशन। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो थे उनको रिवाइव किया, उनकी स्पीड बढ़ाई, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, दिन रात लग के काम किया, लीडरशिप इतनी मजबूत, लोगों को इंस्पायर किया। जबरदस्ती नहीं कराते, ये क्या कहते हैं, पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा, लोग अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। सरकारी कंपनी है ना, आप कैसे जबरदस्ती कराएंगे, इसको बोलते हैं एक कमॉन इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्पिरेशन। इनको देख करके सरकारी कंपनी के एम्प्लॉइज एकदम खड़े हो जाते हैं, एनर्जी ला दी इन्होंने। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 14,500 एम्प्लॉई आज इनके साथ खड़े हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 करोड़ नेपालियों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। वही नेपाल जहां पहले 18 घंटे बिजली नहीं होती थी, आज 18 मिनट भी बिजली नहीं जाती है। और अगले हीरो सुनिए, मिस्टर महाबीर पुन। ये अमेरिका से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट साइंस इंजीनियरिंग के अंदर अमेरिका की ल्यूक्रेटिव जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ के वापस नेपाल आ गए। ये देख रहे थे जब पूरा नेपाल दुनिया भर में जा रहा है पढ़ने के लिए और बाहर काम करने के लिए, ये सोचे मैं नेपाल वापस आता हूं और नेपाल में आके काम करूंगा। ये ही इज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ इंटरनेट फॉर नेपाल। जानते हैं क्यों? हिमालय की उन वादियों में, उन पहाड़ियों में जहां लैपटॉप कंप्यूटर नहीं पहुंच सका, मोबाइल नहीं पहुंच सका, ये वायरलेस इंटरनेट लाने का मुहिम छेड़ दिया सन 2002 में। उस समय इन्होंने नेपाल वायरलेस नेटवर्किंग प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या है ये नेपाल वायरलेस नेटवर्किंग प्रोजेक्ट? तब इन्होंने सोचा कि अगर यहां पे हम टेक्नोलॉजी ले आए और इंटरनेट ले आए तो यहां की कैपेबिलिटी, स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। आज ये ढूंढ रहे हैं नेपाल के अंदर, इनका मानना है नेपाल गरीब होने का कारण क्या है, यहां के टैलेंट को हम नर्चर नहीं कर पा रहे। इनका मानना है कि नेपाल का टैलेंट छोड़ छोड़ के नेपाल को बाहर जा रहा है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यहां पे उस टैलेंट को एंगेज करने के लिए कुछ है ही नहीं। यू नो 2 million, 3 million पीपल वर्किंग अब्रॉड, दे हैड टू लीव द कंट्री। वेल दैट इज द मेन रीजन
यू नो व्हाई नेपाल इज पुअर कंट्री. इसलिए उन्होंने इनोवेशन सेंटर शुरू किया जहां ये चाहते हैं फंड करेंगे, उनको पैसा देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे कि आपके पास कोई आइडिया है, आप उस आइडिया का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको, और अगर आप फेल भी हो गए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा और किसी तरीके से आपको पेटेंट दिलाऊंगा, आपके लीगल राइट्स आपको दिलाऊंगा, कॉपीराइट दिलाऊंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके साथ बना करके कोशिश करेंगे आपको बाहर सेल करके इंटरनेशनल इन्वेस्टर लाके या नेपाली इन्वेस्टर को ला करके. इनका मानना है समाज की सेवा समाज सेवा करके नहीं की जाती, समाज की सेवा आर्थिक मदद से उसको स्वतंत्र बना के की जाती है. इसका मतलब क्या, सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही आएगा. इसलिए इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया. बेसिकली इसको नोबल प्राइज ऑफ एशिया माना जाता है, बड़ा रेप्यूटेड अवार्ड. और आज की आखिरी स्टोरी उत्तम संजेल के बारे में और ज्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, समता स्कूल की स्थापना करी. क्या होता है समता स्कूल? समान भावना से सबकी मदद कर सके, अमीरों और गरीबों के बीच में फासले को खत्म करने के लिए, प्रमोटिंग इक्वालिटी थ्रू एजुकेशन. एक ऐसा स्कूल का चेन चालू किया जिसमें $1 पर मंथ में पढ़ाई करा सके, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी पढ़ाई करा सके, नेपाली रुपया मतलब नेपाली करेंसी में ₹100 महीना के अंदर करे. एक्चुअली उस समय प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे थे, वहां तक रीच बड़ी मुश्किल थी. गवर्नमेंट सरकारी स्कूल कॉलेज सस्ते तो बहुत थे, खर्चा नहीं था, पर वहां पढ़ाई उतनी एक्साइटिंग नहीं थी. तो दोनों के कारण एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था. उत्तम संजेल सोचे कि मैं कैसे एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट बिल्ड करूं कि हजारों बच्चों को लगभग फ्री में पढ़ा दूं, गरम खाना भी खिलाते हैं, साफ पानी भी पिलाते हैं और एजुकेशन सबसे बढ़िया देते हैं. लेकिन ये इतनी बड़ी सफलता मिली कैसे? इसके पीछे हाथ है हमारे बॉलीवुड का. उत्तम संजेल बचपन से हीरो बनना चाहते थे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, और ये सोचते थे मैं हीरो बनूं जाके बॉलीवुड में. ये गए वहां पे, वहां जाके इन्होंने देखा, एक चीज इन्होंने वहां से सीखी और कुछ सीखे ना सीखे. ये क्या कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर सेट बनाने के लिए फिल्म का बैम्बू की बल्लियों से, उनकी स्टिक से, बैम्बू से ही सेट बना दिया जाता था. लो कॉस्ट सेट तैयार करते थे बैम्बू से तुरंत. ये देखिए यार, बॉलीवुड से ये आइडिया समझ में आ गया कि बैम्बू का सेट तैयार किया जा सकता है और उसी का सेट तैयार करके क्यों ना मैं स्कूल और कॉलेज बना दूं यहां पे. और अगर लो कॉस्ट बहुत सस्ती जमीन पे खेतों के अंदर बैम्बू के मैं स्कूल कॉलेज बना दूं तो पैसा तो लगेगा ही नहीं और पढ़ाई कराना मेरे लिए बहुत सस्ता हो जाएगा. हमारे देश के लोगों की तरह नहीं, हमारे यहां बच्चे सारे ऐसा ऐसा करके डांस करते हैं बॉलीवुड से, वो म्यूजिकली टिकटॉक पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और कुछ 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 हिल हिल डुल डुल के अपना कैमरा बना. ये बॉलीवुड से सीख करके आया, बैम्बू स्कूल बना दिया और इसका बैम्बू स्कूल इतना फेमस हो गया कि पूरे देश ने इसकी मदद करनी शुरू कर दी. 77 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों बच्चों को उन्होंने इस समय पढ़ा दिया, हजारों बच्चे स्कूल भी हो गए, कॉलेज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तक बैम्बू स्टिक पे बना दिए और क्वालिटी पढ़ाई की. आज प्राइवेट स्कूल वाले घबरा गए, उनसे कंपीट करा पा रहे हैं ₹100 महीना के अंदर, आज देश इनकी मदद कर रहा है. इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. इनका लो कॉस्ट बैम्बू स्कूल का मॉडल अल जजीरा भी कवर करने आया और क्या देखे कि नेपाल में कितना भी अर्थक्वेक कहा जाए, इनका बैम्बू स्कूल अर्थक्वेक प्रूफ है, इन पे अर्थक्वेक का भी असर नहीं पड़ने वाला. और दूसरी कमाल की चीज, ₹300 में शादी किया, मांग टीका सिंदूर लगा के फटाफट फूल माला और फेरे लगा के खत्म शादी, और जितना पैसा बचाया उस सारे पैसे को उन्होंने दान में डाल दिया वापस समता हॉस्पिटल में, जहां दूर से लोग इलाज कराने आते, पैसा नहीं है दवाई का, बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पास पैसा नहीं, और सारा फिर से डोनेशन में डाल दिया. ये जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, ये इनकी शादी बड़ी फेमस हो गई नेपाल में. मैं चाहता हूं इनकी शादी ना केवल नेपाल में बल्कि दुनिया भर में फेमस होनी चाहिए. मैंने कभी आपको अपने बारे में नहीं बताया, आज पहली बार बताऊंगा. मैंने भी अपनी शादी मंदिर में ही करी थी, कोई बैंक्वेट बुक नहीं किया, कोई हॉल फाइव स्टार होटल बुक नहीं किया. मेरे पास्ट के बारे में कम लोग जानते हैं क्योंकि ऐसे लोगों से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है. कोई जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ जीजा और कुछ ना कुछ फूफा हमेशा आपसे नाराज होंगे. खिला दो जितना खिलाना है लोगों को, बांट दो पैसा बर्बाद करके, उसकी जगह कहीं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में लगाया जाए. आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सुपरस्टार असली हीरो थे नेपाल के, इनके बारे में पूरी दुनिया को फैलाया जाए. नेपाल में जो नहीं जानते उनको जरूर वीडियो शेयर करिए, और दुनिया भर में जितने लोग हिंदी समझ सकते हैं कम से कम ऐसे सुपरस्टार की स्टोरी एक बार ही बताएंगे. क्या पता आपके शहर में किसी आदमी के दिल में यह क्रांति जाग जाए एक वीडियो शेयर करने से. नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और किसके बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं. सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकॉन हिट नहीं किया, वीडियो अब तक पहुंचेगा नहीं. लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना प्रेम बनाए रखने के लिए, हर बार आके पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ बार बार धन्यवाद.
प्राउड मोमेंट होता है बॉस आपके देश में नाम, मतलब नो प्रॉफिट ठीक है, और इतना कुछ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट करता है। मैं तो जानता हूँ अनुराधा कोइराला जी को, उनके बारे में तो मैंने देखा था, अवार्ड जो मिला था इस समय जानता हूँ। तो एक मिनट, फाइव आई थिंक फाइव नहीं बहुत लोग होंगे, पर ये जो पांच जन है जिनके बारे में मतलब अवार्डेड हुआ है, देशों से मिला है, एशिया से, इंडिया से, पद्मश्री अवार्ड भाई वो छोटी चीज नहीं है। एंड सबके अपने अपने टैलेंट थे, जैसे कि संदू रोहित ने जैसे क्या प्रॉब्लम्स हो गए, उनको पद्मश्री अवार्ड है उनका भी। कुलमन घिसिंग जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो बीच में वीडियो हुआ था, इन्हीं के वीडियो पे रिएक्ट किया था कि नेपाल में ऐसा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी इश्यू था, तो इसमें आज वो क्लियर कर दिया कि नहीं, जहाँ 18 घंटे वेट करना पड़ता था आज वहाँ 18 मिनट भी नहीं पेशेंट से मतलब लाइट जाती नहीं है। अनुराधा मैम का तो ये कि उन्होंने बेस्ट चीज़ मुझे निकाला कि वुमेन एम्पावर जो होता है, लाइक मोस्टली मुझे ट्रैफिकिंग का तो पता था, तो उन्होंने वो चीज़ सॉर्ट आउट किया, और उन्होंने वुमेन के लिए मतलब कि उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जैसे इंडिया में मैं आपको बता रहा था कि गरीबी हटाओ वाला आंदोलन उनका भी वही है, तो मैं भी शायद हो सकता हमारे देश में उनको ही देख के किया हो कि गरीबी हटाने के लिए आप उनको पहले इन्वेस्ट करिए, उन पर पैसा खर्चा कीजिए, वो कुछ खर्च करें उसमें 2 रुपये कमाएंगे, तो मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ें हो, 100 रुपये कर उसमें मुनाफा होता है तो उसमें 2 रुपये आप इधर दे दीजिए, बाकी पैसा बचता है आप अपने लिए, मतलब गरीबी नहीं है, हाथ लाने का मौका नहीं है, गरीबी वर्ल्ड की गरीबी कम होगी, देश की गरीबी कम होगी। और ये मोस्टली मेरे को एशिया में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको देखने मिलता है ये चीज़, से बड़े बड़े महारथी लोग मिलते हैं जो जो इतना अच्छा करते हैं अपने देश के लिए, दूसरे के देश के लिए भी करते हैं, हमको देखो कैसा होता है। अभी वही अवार्ड जहाँ से पद्मश्री अवार्ड मिलता है, इट्स नॉट अ वेरी छोटा अवार्ड नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है पद्मश्री अवार्ड, और इनको रिस्पेक्टफुली इनको वो सब किया गया है कि वैल्यूएबल है ये लोग, ये नेपाल के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए भी, देश के लिए है हीरो। तो ये बहुत पहले मुझे रिक्वेस्ट आया था, बट अभी मेरी तबीयत बीच में वीक था तो मैं नहीं कर पाया, तो अब जैसे हुआ मैंने बोला चलो अब देखते हैं यार, और ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, ऐसे वीडियो को मोस्टली जो भी रिएक्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने देखना चाहिए वीडियो, और इसको देखिए खुद भी सीखो कुछ अच्छा करो। आप जब कुछ करते हो तो आप अपना वीडियो भी बना लो ना, कि आप एनजीओ में जाते हो, चैरिटी के लिए कुछ हेल्प करते हो। मैं भी ऐसी चीज़ सोचता हूँ कि अपने टाइम आएगा तो मैं भी करूँगा, और इतना नाम तो मैं कमा नहीं सकता, लेकिन हाँ छोटा मोटा करूँगा मेरे दिल की तसल्ली के लिए तो बेस्ट ही होगा, इज़न्ट इट। तो बहुत अच्छा लगा, पांच नहीं बहुत होंगे आप में से कोई होगा जो देख रहा होगा जिन्होंने किया है, मेरे फेसबुक में सुनील है उस वो भी करते हैं ये चीज़ें, देखा है उनसे भी बोलती है बात। तो ये पांचों के लिए मैं सल्यूट करता हूँ बॉस कि आप लोग इतने अच्छे काम किए, एजुकेशन करके भी आपने अपने देश के लिए सोचा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, लोगों, लेडी फैमिली मतलब गरीबों के लिए, और मतलब हर चीज़ किया है आपने, तो फिर हमें भी सीखना चाहिए यार। एनीवे गाइस, आप लोग ये वीडियो अगर अच्छा लगता है आप ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए, वो जो मैं ये भी नीचे डॉक्टर बिंद्रा का लिंक भी रखूँगा, आप वो वीडियो देखिए उसको भी शेयर कीजिए, और ऐसे कौन से लोग हैं जो इतना अच्छा करते हैं उनका भी ऐसा आप कभी वीडियो करके अपलोड कर दिया कर दीजिए फेसबुक में, कभी आप करते खुद का भी वीडियो बनाओ और ऐसे डाल दिया करो, और अपना आपको भी हाईलाइट रखा करके हम आप लोग भी करते हैं, नॉट फॉर फेम बट येस यू आर डूइंग समथिंग, तो वो आप अपना दिखा रहे हो ठीक है। मैं भी कुछ किसी के लिए कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली लाऊंगा वैसा वीडियो, तो ये मैं प्रॉफिटेबल वाले वर्क नहीं, मैं भी कुछ कर रहा हूँ दुनिया को जागरूकता दूंगा कि भाई हम भी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, वैसी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। एनीवे गाइस, दिस इज शान सिंह, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव फ्रॉम मी, लव फ्रॉम इंडिया, और सीरियसली ये वीडियो बहुत प्राउड है, हर नेपाली को प्राउड है, जो देश के लोग ये सब कर रहे हैं, आप भी वैसा कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि हर देश, मेरा देश भी ऐसा काम, और लोग आए ऐसे कि पद्मश्री के लिए ना आए लेकिन कुछ अच्छे के लिए जरूर आए। नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।